There are so many students who have been continuously studying, and still they have not been able to complete their entire syllabus. So, if you think you'll start today and uh, you'll be able to complete everything, then uh, time for reality check. Let's get to the real facts. If you haven't completed all the classes, there are lesser chances of you getting high scores or getting a rank, but you can still pass. और यू कैन एटलीस्ट इंक्रीज़ योर चांसेज टू पास हाई एवरीवान एम शिवंगी अग्रवाल योर लॉ मैंटर एंड आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम स्ट्रैटजीज बेसिकली आई डिस्कस एंड गिव यू सर्टन टिप्स जिनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग दिस लास्ट टाइम टू एस योर एग्जाम्स

अगर आप देखो तो आपको वीडियो दिख रहा है मैम इज मेकिंग अ स्ट्रैटी वीडियो ऑफ सम 60 डेज व्हाई मैम बिकॉज वी हैव सम 70 75 डेज इन हैंड सो व्हाई टू कट शॉर्ट दैट पीरियड एंड व्हाई टू गिव अस अ पैनिक अटैक बिकॉज इट्स बेटर टू बी एंशियस नाउ दैन एट द लास्ट मोमेंट सो जो आपके लास्ट के टेन डेज होते हैं ना जस्ट बिफोर एग्जाम्स आई डोंट कंसिडर दम द पीरियड फॉर लर्निंग और द पीरियड फॉर स्टार्टिंग दे आर द पीरियड वेन यू कैच समथिंग न्यू एवरी डे राइट कि हाँ ये करना है ये करना है आपका एक माइंड सेट बहुत अलग होता है जस्ट बिफोर द एग्जाम्स यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली सो कट दैट पीरियड आज से फर्म बिलीव दो रखना है फर्स्ट आई हैव सिक्सटी डेज इन हैंड फॉर माई अपकमिंग एग्जाम सेकेंड आई हैव अ फर्म बिलीव दैट इफ आई वर्क हार्ड आई विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन नो ऑफकोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड right you have to work hard or you have to work smart that is something that you need to discover because i would say kiar ab एक रियलिस्टिक और स्मार्ट अप्रोच को आपको फॉलो करना पड़ेगा यू कैन नॉट हैव दोज टारगेट्स एंड से दैट मैम आई आई स्टार्टेड एनी सब्जेक्ट येट बट एम गोइंग टू अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स नहीं यार नहीं कर सकते यू चूज सिंगल ग्रुप राइट और यू मे बी टारगेट फॉर एग्जामेशन इफ यू वेरी वेल इन अ पर्टिकुलर पेपर राइट इफ यूर क्लोज टू सेवेंटी परसेंट सिलेबस कंप्लीशन यू कैन टारगेट बोथ ग्रुप्स राइट सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड राइट आपने इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज देखी है ऑल अराउंड इन डिफरेंट फील्ड बट डोंट यू वॉन्ट टू सेट यूर रोट एग्जाम्पल करना है ना How बाई डेफरिंग योर टास्क मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ ठीक है आपके पास आपके पेरेंट्स का एक मैसेज आया और उसने आपको लिखा था कि बेटा जब फ्री हो जाओ तो कॉल करना तो आपको मैसेज पढ़ के क्या लग रहा है कि यार दिस कॉल कैन बी डेफर्ड है ना अभी तो क्लास चल रहा है लेट मी गेट फ्री एंड देन आल कॉल राइट दूसरा मैसेज आया कि कॉल करो अर्जेंट है नाउ इफ इवन इफ योर वॉचिंग सम क्लास इवन इफ ये देअर तो आप तुरंत उठोगे एन यूल गो एंड मेक अ कॉल क्यों इससे क्या समझ में आ रहा है कि टाइम निकल रहा है शायद कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है शायद उसमें कुछ देर ना 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 हो जाए आई अवेलेबल एट द मोमेंट राइट तो जब आप फ्री हो तब पढ़ लेना ऐसा नहीं करना है पढ़ लो बेटा इट्स अर्जेंट टाइम निकल रहा है शायद सिक्स मंथ्स आपके सिक्स मंथ्स का अटेम्प्ट डिले हो जाए यार बहुत बहुत दुख होगा राइट right? कि उस वक्त हम कंप्लेन कर रहे थे कि याद नहीं हो रहा अरे याद कैसे नहीं हो रहा जब सर पे पड़ती है तो कोई भी काम हो ही जाता है राइट सो यू कैन नॉट डेफर कि यार ये आज अच्छा नहीं लग रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है ये मुझे याद नहीं हो रहा है दिस इज वॉट यू आर इंटू एंड दिस इज वॉट यू हैव टू डू राइट अब कंफ्यूजन एप्रिहेंशन का टाइम नहीं है गोल्स टारगेट एकदम क्लियर होने चाहिए दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड नहीं इफ यू हैव अ स्पैन ऑफ सिक्स days let's say. ठीक है तो अब आपके पास सिक्सटी डेज हैं अगर तो उसमें आपको डिवाइड करना है कि यार अगर मैं चार सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे टारगेट करने हैं सो आई हैव फिफ्टीन डेज फॉर ईच सब्जेक्ट राइट और मे बी आई एम ऑलरेडी डन विद टू सब्जेक्ट्स सो आई कट दैट टाइम कि उस सब्जेक्ट्स के लिए मैं पांच पांच दिन हूँ बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अकॉर्डिंगली आई इंक्रीज द टाइमिंग राइट सो दिस इज योर पर्सनल कॉल योर पर्सनल चॉइस और आपको अपने कैलबर के हिसाब से यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू मेक अ चॉइस राइट तो आपको करना ही करना है अब आपने अगर मान लो एक पिक किया कि लॉ आई हैव टेन डेज राइट अब क्या करना चाहिए बिकॉज अब हमको करना है एक स्मार्ट काम आपके कुछ सब्जेक्ट बाय नाउ ऐसे हो सकते हैं तो उन चैप्टर उन सब्जेक्ट में यूल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम बट फॉर एवरी वीक सब्जेक्ट आई वु फॉर एवरी इनकम्प्लीट सब्जेक्ट वॉट यू कैन डू नाउ इज ठीक है यू हैव टू डिवाइड योर टारगेट इन टू थ्री कैटेगरीज ठीक है जैसे हम एबीसी एनालिसिस करते हैं विच इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द स्टूडेंट की आपको कभी भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी चाहिए बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स वेरी मच एडवाइजेबल कि भैया यही करो राइट right? अब ऐसे सब्जेक्ट में आपको करना क्या चाहिए यू हैव टू डि योर सब्जेक्ट हाउ मैम लाइक लेट सेक्ट सी कैटेगरी चैप्टर्स एंड स्ट्राइक दिम आउट ठीक है हाउ टू सिलेक्ट कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत बड़े चैप्टर्स होते हैं बट दे हैव लेस वेटेज एंड नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली राइट या फिर अगर पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम आपसे चार नंबर के पूछे गए सो यू कैन स्किप दिस फॉर अ चॉइस राइट लाइक इफ आई टेक एन एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट सी एम ए फाइनल वी हैव बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस विच इज एक्चुअली इंश्योरेंस एक्ट एडा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फेस एंड ऑल दी फोर चैप्टर्स कंप्राइज ओनली फाइव परसेंट ऑफ वेटेज राइट

Read all the questions. So, is this point of time, pay what works more is the question rather than the concepts. Right? So, just be subject map lost, ho, practice more questions. 60% questions are repeated. So, if you do MTP, if you do study mat, if you go for uh, past year papers, right? These are all questions you have Of course, you have to understand the question, then only you can do it. But if you have done it, तो बहुत ब्राइट चांसेस आपके हो जाते हैं राइट नाउ व्हाट यू शुड डू इज लिसन टू द मैराथन फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग राइट और मेंटेन अ कॉपी जहाँ पे आप लिखते जाओ कि दीज आर द टॉपिक्स विच आई एम स्किपिंग लेटर ऑन इफ आई फाइंड कि यार इसी टॉपिक का कोई क्वेश्चन है विच इज कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट या कोई है तो आप उसको कर सकते हो ठीक है सो दैट इज हाउ यू शुड

इट इज कंप्लीटली योर चॉइस एंड डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट और उसके कैलेबर पर डिपेंड करता है आपको देखो अच्छा पढ़ना है अच्छा पढ़ने का मतलब क्या होता है स्टडिंग इन सच अ मैनर दट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू इन योर एग्जाम्स एज वेल एज इन योर प्रोफेशनल ग्रोथ राइट ना यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड इफ यू हैव टू टेक क्लासेज ऑफ फोर सब्जेक्ट्स थ्री सब्जेक्ट्स या टू सब्जेक्ट्स दैन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड यू विली इन अ के ऑल्सो आई वुड एडवाइज डोंट गो फॉर क्लासेज रादर दैन जस्ट पिकअप द क्वेश्चन एंड डू एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन ठीक है सेकेंड थिंग अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं देर इज वन सब्जेक्ट इन विच यू आर लैकिंग और वन सब्जेक्ट वे यू बिलीव दर ओके आई कैन गेट एग्जैम्शन इफ आई गेट द राइट अमाउंट ऑफ गाइडेंस देन गो एंड सीक गाइडेंस भाई क्लासेज ले लो उससे आपको क्या होगा जैसे आपने ए कैटेगरी चैप्टर्स ही देखे आपने पढ़े आपके डिटेल में आपके वो अगर बीस घंटे तीस घंटे आप खुद इन्वेस्ट करते यू कुड हैव डन दैट In maybe a span of just 10 hours with guidance, right? So go for it, there's no harm in it here. कोई भी नहीं है मेक अ चॉइस ठीक है डिसाइड करो इफ इफ यू आर इनफैक्ट लुकिंग फॉर एनी गाइडेंस ठीक है तो आपको सब बुक माई वीडियो पे मिल जाएगी इफ़ यू टॉक अबाउट माइला लॉ क्लासेस तो हमने एक लास्ट होप सेल भी चला रखी है बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेअर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम अप टू अस कि यार मैम इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है तो आई नो दैट दैट फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट भी आ जाता है कि यार अब दो महीने ही बचे हैं मैम इतना तो हमें पे करना नहीं जस्टिफाइड लग रहा है सो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन दैट यू कैन चेक इन लॉ राइट तो सबसे पहली चीज हमने क्या की द फर्स्ट थिंग डेवलपिंग गुड माइंड सेट द सेकंडट अ टारगेट फॉर आर सेल्स वी हैव आइडेंटिडर वीक सब्जेक्ट एंड इन दीक सब्जेक्ट वी हैव डिवाइडेड आर चैप्टर इन टू थ्री कैटेगरीज ए बी एंड सी राइट आप रिस्पेक्टिव टीचर्स अगर आपको प्रोवाइड करें कुछ एबीसी तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो फॉर लॉ आई बी पुशिंग द सेम इन बस फ्यू डेज ठीक है तो वो भी आपका आ जाएगा तो आप उसको भी एक गाइडेंस uh, की तरह यूज कर सकते हो एंड देर आफ्टर क्या करना है देअर आफ्टर क्या करना है यहाँ पे ना एक बहुत ही यूजफुल सी चीज बता रही हूं प्लीज उसको सुनना बहुत ध्यान से आपको करना क्या है यू हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट मैम दैट इज समथिंग वी ऑल नो ठीक है हाँ आई नो यू ऑल नो ठीक है अब आपको इसमें एक अलग सी चीज करनी है वॉट हैज टू बी डन हर दिन रात में यू विल make a शार्ट कि हाँ ये ये चीजें मुझे करनी है सपोजली यू हैव सेड दैट आई हैव टेन डेज फॉर लॉ और इसमें से ये चैप्टर्स आई एम लीविंग मे बी दीज चैप्टर्स आई बी कम्प्लीटिंग इन फोर डेज एंड दीज चैप्टर्स आईलिटिंग इन सिक्स डेज यू हैव टू चॉइस इधर पिक वन सब्जेक्ट एट वंस एंड कम्प्लीटेड और पिक टू सब्जेक्ट एट वान्स वन थियोरी एंड वन प्रैक्टिकल एंड देन कम्पलीटेड राइट तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने दो सब्जेक्ट्स पिक किए हैं सो फर्स्ट हाफ यूल बी डूइंग वन सब्जेक्ट सेकेंड हाफ यूल भी डूंग अदर सब्जेक्ट तो फर्स्ट हाफ के आपने टारगेट ले लिए कि ये चैप्टर मुझे इस तरीके से रिवाइज करना है एंड देन आई विलइंग एम टी पी क्वेश्चन सो यू हैव मेड दिस दिस टारगेट टारगेट मेकिंग ऑफ और टू डू लिस्ट विल हार्डली टेक मिनट्स बट इट विल बी इमेंसली बेनिफिशियल ठीक है अब एट द एंड ऑफ द डे लास्ट थर्टी मिनट्स बिफोर यू स्लीप यू हैव टू रिव्यू वॉट यू हैव डन एंड यू हैव टू प्रिपेयर द टारगेट फॉर द नेक्स्ट डे ठीक है मैम ये तो नॉर्मल सी बात है हम सबको पता है अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताऊंगी आप यहाँ पे वैलिडेट करते जाओगे इंसेंटिव की तरह काम करता है वी ऑल नो दैट

सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन कंसेप्ट दैट यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड आपने दो घंटे चार घंटे पांच घंटे छः घंटे इन्वेस्ट कर दिए स्टिल यू आर नॉट क्रैकिंग एन एनी थिंग अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमेशा क्या होता है दस बारह नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है तो आप फिर भी टाइम लगाएं तो समझ में आता है अदरवाइज डोंट डू दैट एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन ओके ऑल द बेस्ट